हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपका आने वाला 7 दिन, नेक्स्ट 7 डेज, कैसा जाने वाला है और क्या क्या इसमें आपके साथ बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको पिक अ कार्ड चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको पिक अ कार्ड रीडिंग ज़रूर देने वाली हूँ। ठीक है, ओके। मैंने एक्चुअली रीडिंग से पहले ही कार्ड को बिल्कुल क्लेंस किया था, ठीक है, तो मुझे लगता है कि एनर्जीज बहुत अच्छे से आ चुकी है, तो इसीलिए शायद मैं शफल करने से पहले ही आपके लिए कार्ड्स गिर रहे हैं। तो बताइए, जो देख रहे हैं हमारे, उनके आने वाले नेक्स्ट 7 दिन कैसा जाने वाला है? किसी को अगर आप बहुत प्यार करते हो, उसको बहुत याद करोगे, या फिर वो इंसान आपको याद करेगा। ठीक है, वो मुझे सुनाई दिया कि वो जो गाना है ना, वे कम लिया, वो मुझे सुनाई दिया। ठीक है, ठीक है, जो भगवान आपको दे सकते हैं दे रहे हैं। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है राशियां जो है, एरीज, लियो, सजिटेरियस दिख रही है, कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस भी बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है यहाँ पे, और एरीज, सजिटेरियस, लियो है, एंड टॉरस, वर्गो, पाइसीस, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, वाटर साइन, ऑल साइन वालों के लिए है, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो क्या दिख रहा है मुझे आने वाले 7 दिन में? सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो है करेज दिखाओगे कुछ कुछ चीज़ों को लेके। आपकी लाइफ में ही जो चीज़ें होती है ना, कि आप बहुत डरते हो जिन जिन चीज़ों से, किसी को सामने रख, किसी को साथ रखना है या फिर किसी के साथ रहना है, ये सारी चीज़ों से जो आपका एक डर है ना लाइफ में, कि भगवान ये चीज़ मेरे साथ नहीं हो रहा है, तो इसको मैं रखती हूँ, लाइट आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ हेल्प कीजिए। तो कहीं ना कहीं एक जो होती है ना, कि आपकी डर है, लेकिन आप प्रेयर भी करते हो डर के साथ साथ, आपको एक प्रार्थना भी आती है जो भगवान को आप करते हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका वही प्रार्थना रंग लाएगा, क्योंकि आपकी जो फेथ है भगवान के ऊपर, वो टेस्ट किया जा रहा है। अगले 7 दिन में आपको वो रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने फेथ रखा है, अगर आपने ये चीज़ किया है कि आपने ये चीज़ किया है कि भगवान को आपने बहुत बिलीव रखा है, आपकी फेलियर, आपकी तकलीफ, हर एक चीज़ के बाद भी, ठीक है, अगर आपका ये रहा कि नहीं, मेरे तो जो करेंगे मेरे मालिक ही करेंगे, मेरे भगवान ही करेंगे, तो ट्रस्ट मी, अगले 7 दिन के अंदर आप देख लोगे कि किस तरीके से आपको वो सारी चीज़ें जो है रंग लाना शुरू करेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत परसिस्टेंट रहने वाले हो, जिद, आपकी जो अंदर की जिद है, आप जिद में रहोगे कि नहीं, मुझे ये करना है तो करना है, मेरा ये काम होगा तो होगा। ठीक है, तो एक चीज़ बहुत लग रही है कि एक जिद आपके अंदर है कि मुझे कोई चीज़ को हासिल करके ही रहना है, मुझे कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करके ही रहनी है, मुझे किस तरीके से फेलियर लोग बोल सकते हैं या फिर किस तरीके से मेरे ऊपर लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये करके दिखाऊंगा या फिर करके दिखाऊंगी। आपके अंदर एक डर भी रहेगा, आपके अंदर ये रहेगा कि चलो मेरे से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो रही है, बट फिर बाद में जो है आप खुद के ऊपर बिलीव रखोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो डाउन चला गया था, नेक्स्ट 7 डेज में मुझे वो अप जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों के लिए आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाओगे, कोई आपके खिलाफ अगर ऐसी बातें करता है या फिर जिन लोगों के साथ आप रहते उठते बैठते हो उनके साथ अगर कोई बहुत बुरा बर्ताव करता है, मुझे आप किसी के लिए भी कोई स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आपकी खुद के साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, बट स्टिल आप दूसरों को मदद करना है, फिर स्टिल आप दूसरों के लिए जो आपके लिए खास है उनके लिए खड़े रहोगे, ये अगले 7 दिन में आप बहुत ज़्यादा करोगे। आप डिफेंसिव रहोगे, जो आपके लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं जिनको आप बहुत पसंद करते हो, आप उनको कोई भी परिस्थिति में नहीं छोड़ोगे, आप बस यही बोलोगे कि ये लोग मेरे लोग हैं, इनके लिए मैं स्टैंड लूंगी, खड़ी रहूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप, हाँ,
एक चीज लग रही है कि आप किसी के लिए एक्चुअली आखिरी बार बात करोगे या फिर किसी के साथ आखिरी बार बात करोगे। किसी की बातें आपको इतनी बुरी लगेगी या फिर कोई इंसान आपको इतना बुरा लगेगा कि आप सोचोगे कि बस दिस इज द लास्ट टाइम, या फिर कोई काम आपके लाइफ में आप करोगे जो बहुत स्ट्रगल हो चुका है तो आप करो बोलोगे कि नहीं दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद मुझे नहीं करना है। तो जो हुआ जैसे हुआ ये शेष बार है, मतलब ये आखिरी बार मैं कोशिश कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। कुछ चीज़ों को छोड़ देना बेहतर होता है, आपको वो चीज़ कहीं ना कहीं समझ आएगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो है आपका बहुत सारा बहुत कुछ करने के लिए है, आप बहुत कुछ करोगे भी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप उन सारी चीज़ों के लिए सोचोगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि दुनिया के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ मुझे दिख रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड थे, जिसको देखो ये कोई सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई लवर ही है, जिसके साथ आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड थे। ठीक है, मतलब आपकी इमोशंस, आपकी फैमिली मेम्बर, उनके साथ भी तो काफ़ी स्ट्रांग इमोशंस आपकी जुड़ी हुई होती है ना। ठीक है, तो इस तरीके से दिख रहा है कोई भी इंसान जिसके साथ आपकी इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो जैसे इंसान के साथ आप थोड़ा सा वो करोगे, लाइक साइड लाइन हो जाओगे। आप ऐसा सोचोगे कि नहीं भाई मुझे तुम्हारे साथ बात नहीं करनी है क्योंकि तुमने ये चीज़ मुझे बोली थी और ये चीज़ मुझे बहुत एक्चुअली हर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी को तो आप अवॉइड करोगे, कुछ लोगों को आप अवॉइड करोगे, कुछ बातों को आप अवॉइड करोगे, कोई गेट टुगेदर को आप अवॉइड करोगे। आपको लगेगा कि इस स्थान पे मैं नहीं बैठती हूँ क्योंकि मैं पिछली बार बैठी थी और मुझे काफ़ी इंसल्ट किया गया या फिर मुझे ऐसी चीज़ बोली गई। तो अगले 7 दिन में आप कुछ लोगों की गेट टुगेदर अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ों से आप लाइक पीछे छोड़ के जाओगे। देखो कुछ लोगों का तो मुझे ये भी लगता है कि कोई एग्ज़ाम हो या फिर कोई अपना पर्सनल काम हो, उस चीज़ के वजह से आप सेक्रीफाइस करोगे। मतलब कोई गेट टुगेदर हो सकता है उसमें ना जाओ, या फिर कोई ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत कोई शादी हो या फिर फंक्शन हो, उस चीज़ से आप थोड़ा सा दूर रह सकते हो, जिस जिसको आपका मन तो है लेकिन कुछ अपने निजी प्रॉब्लम की वजह से आप उसको अवॉइड कर सकते हो या फिर आप उसको नहीं जा सकते हो। कुछ चीज़ें आप इधर वे में करने लगोगे, लाइक कुछ उसका रास्ता यहाँ होगा, आप कुछ रास्ते यहाँ लेके जाओगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं करनी है, कोई आपको सलाह देगा, आपको वो सलाह पसंद नहीं आएगा, आप अपनी तरकीब से कुछ चीज़ें कर सकते हो, आप अपना काम कुछ चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अगर किसी चीज़ को कोई रिकॉग्नाइशन आप कहीं से पाना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मुझे रिकॉग्नाइज करे, या फिर किसी को बहुत प्यार करते हो, आपने बहुत प्यार दिया है और आपको लगता है कि ये समझे कि मैं इससे इसको प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, हो सकता है कि अगले 7 दिन के अंदर वो पर्सन थोड़ा सा वो चीज़ को ना समझे। आपका प्यार, आपका सैक्रिफाइसेस, आपकी इम्पोर्टेंस कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए समझना। देखो कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हो, सबके लिए नहीं, स्पेशली ये जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें सबके लिए नहीं है, जिन लोगों को लगता है कि आपके ऊपर हो रहा है या फिर कोई नेगेटिविटी है तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली। हो सकता है कि रियली आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई नेगेटिव चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली जो है रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या फिर घर में कोई बाहर का लोग आके कुछ रिश्ता बना रहा है तो कुछ नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है, इन सब से आपको बचना है। ठीक है, आप कहीं पे ट्रैप्ड बहुत ज़्यादा महसूस कर सकते हो, आपको ऐसा लगेगा कि ये जगह मेरा नहीं है बट स्टिल मैं इस जगह से निकल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, या फिर निकल ही नहीं पा रहा हूँ, आप बहुत ट्रैप महसूस कर सकते हो। एंड एक चीज़ मुझे लग रही है, एक चीज़ मुझे लग रही है कि आपको कोई चीज़ पाना है इसी के लिए, मतलब कुछ तो ऐसी चीज़ें जो आपको पानी है लेकिन आपको वो चीज़ पसंद नहीं है लेकिन आप उसको स्टिल कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। ठीक है, तो आप लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें आप अननेसेसरीली करोगे, आपको पसंद नहीं होगा करोगे क्योंकि आपको कुछ पानी है। कभी कभी होती है ना कि कोई इंसान पसंद नहीं होता है तो चापलूसी करनी पड़ती है, या फिर कोई काम अर्निंग हो रही है तो वो काम कंटिन्यू करना है लेकिन काम में उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो वही चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं होगा लेकिन आप
बहुत ही मुश्किल से वो चीज को करोगे। ठीक है, अगर आप एक अर्थ साइन हो तो मैं आपको बोलूंगी कि कोई इंसान आपको पास्ट लवर हो सकता है, आने वाले समय में भी हो सकता है, नेक्स्ट 7 डेज में कोई इंसान आपको एक एक होती है ना कि सिर्फ आप अर्थ नहीं, मैं बोलूंगी कि हर एक साइन वालों के लिए है, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है तो उसको समझ लो वो कैसा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान आपको सिर्फ प्यार करता है बोल के फंसा सकता है, या फिर उसको आप पसंद हो बोल के फंसा सकता है, तो आप वहां पे फंस सकते हो, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा कुछ बिहेवियर कर सकता है जो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है मेंटली, लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोग अगर खुद उन लोगों से दूर चले जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज मुझे दिख रही है कि कुछ चीज के लिए आप प्रिपरेशन करोगे, कहीं जाने के लिए हो सकता है, कहीं ट्रैवल करने के लिए हो सकता है, आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, किसी चीज के लिए तो अपने आप को तैयार करोगे या फिर अपने आप को सजाओगे और कुछ चीजें करोगे। सो मुझे प्रिपरेशन दिख रही है कुछ कुछ चीजों में, और ऐसे दिख रही है कि आपकी जो काम ना अटका हुआ था, ठीक है, बस अटक गए थे, आपकी प्लान्स बिल्कुल अटक गए थे, आप देखोगे कि स्लोली स्लोली वो सब चीजें होती हुई, ठीक है, स्लोली स्लोली वो चीजें होगी, वो सब कुछ काम करेगा, एंड आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी शुरू होगी। लाइफ में ऐसी होती है ना, कभी कभी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है खुद को प्रूव करने के लिए, तो आप देखोगे आपको अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट होगा लाइफ में। और एक चीज मुझे दिख रही है कि आप कोई भी चीज के ऊपर हाथ रख दोगे वो चीज आपको हेल्प करेगी, कोई इंसान से आप हेल्प चाहोगे वो इंसान आपको हेल्प करेगा। फेवरेबल टाइम मुझे दिख रहा है, आने वाला 3 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे या फिर जो भी आप चाहोगे, जिससे आप हेल्प मांगोगे वो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, आपका इंतजार अभी इंतजार में नहीं रहेगा, जो चीज आप इंतजार कर रही हो ना, सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इंतजार कर रही हूँ, नहीं, वो रहेगा आगे, आपको वो फुलफिलमेंट मिलती हुई मुझे दिख रही है। जिन लोगों का काम है ओवरसीज, मतलब ये कि अब्रॉड में काम है, पानी से रिलेटेड कोई काम है, या फिर पानी में ट्रैवल करके जाना पड़ता है, उन लोगों का काफी मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। गाड़ी, कार, ठीक है, मुझे कार सुनाई दिया, तो जिन लोगों का कार का शोरूम है या फिर गाड़ियों का शोरूम है, आई थिंक उनका भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, उनको भी काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने कुछ चीजें मंगाई थी, कुछ ऐसे पार्सल्स वगैरह मंगाए थे आपने, तो कोई इम्पोर्टेंट पार्सल आपको मिल सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं मेकअप या फिर अब ये डेली यूज की चीज बोल रही हूँ, कोई इम्पोर्टेंट चीज आप मंगा सकते हो या फिर आपको वो मिल सकता है जो एक्चुअली में आपको कुछ काम आएगा, फ्यूचर में जाके आपके लिए कुछ काम आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, बहुत सारा काम करोगे। ठीक है, ये हफ्ता आपके लिए ऐसा रहेगा कि आपको करोगे बहुत सारा काम। आप एक ऐसे इंसान हो, शायद आपको काम करना बड़ा पसंद है, काम मतलब ये कि आपको बिजी रहना पसंद है, फ्री रहना ज्यादा पसंद नहीं, सिर्फ सोते रहना, ये हफ्ता आप वो नहीं करोगे, आपका माइंड बहुत सारी चीजों में चलेगा, सिर्फ सोओगे 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 ये चीज नहीं होगी। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें करोगे, मल्टीटास्क करोगे, और हर एक चीज में आपको कहीं ना कहीं आप क्विक रिजल्ट आपको मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ चीजों के लिए सडन एक्शन ले सकते हो। ठीक है, ये हफ्ते में आप ये चीज करोगे या फिर ये 7 दिन में आप यही चीज करोगे कि आप बिना सोचे समझे आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो अपने अनप्लान्ड, ठीक है, अनप्लान्ड काम आपका बहुत सारा हो सकता है। जो ओवरऑल चीज मुझे दिख रही है ना, ये हफ्ता आपको बहुत सारा फायर एनर्जी देगा, मतलब ये कि आपकी बॉडी गर्म रहेगी सब दिन, आपको कोल्ड कफ ज्यादा नहीं होगा, या फिर आपकी बॉडी को गर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फायर एनर्जी अगर इस हफ्ते या फिर इन 7 दिनों में अगर आपके बॉडी के अंदर फायर एनर्जी कम होती है वो अच्छा होगा, वाटर एनर्जी अगर कम रहती है वो भी अच्छा होगा, आप पानी से दूर भागोगे इस हफ्ते, और
और आप आग के पास जाओगे इस हफ्ते, ठीक है, वो हो सकता है आपकी लाइफ में। और ब्लैक कलर से इस हफ्ते थोड़ा दूर रहना। आपका इम्पोर्टेंट नंबर कुछ मुझे 3, 7, 11, 9, 8 ये सब चीज़ें दिख रही है, बट रेड रेड कलर काफ़ी मुझे डोमिनेट यहाँ पे दिख रही है। येलो ब्लैक से थोड़ा दूर रहना, ठीक है, ये हफ्ता आपके लिए वो नहीं है। और कुछ कार्ड्स देखते हैं, कौन सा कार्ड देखूं मैं? मुझे ना कभी कभी डेक से समझ नहीं आता है कि मैं कौन सा कार्ड देखूं, क्योंकि इतने सारे डेक्स हैं। मैं कभी आपको मेरे डेक्स की कलेक्शन दिखाऊंगी, इतने सारे कार्ड से, और मुझे लगता है कि कौन से मैं आपको आज मैं मैसेज दूं, ठीक है। चलो ये वाला कार्ड देखते हैं। ये वाला कार्ड है हमारी गॉडेस गॉडेस गाइडेंस, ठीक है। तो गॉडेस आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं देखते हैं इस 7 दिन के लिए। ओके, मेडिसिन वुमेन एंड यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगले 7 दिन में मुझे ये दिख रहा है आप किसी को हील करोगे या फिर खुद हील हो जाओगे, ठीक है। आप हो सकते हो डॉक्टर प्रोफेशन में हो, हीलिंग प्रोफेशन में हो, ठीक है, या फिर टीचिंग प्रोफेशन में हो, आर्ट्स के प्रोफेशन में हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांग डोमिनेटेड दिख रही है कि आप हील करोगे। जैसे होती है ना कि ऊर्जा, भगवान की ऊर्जा ला के, यूनिवर्स से ऊर्जा ला के किसी को हील करते हुए, किसी के मेंटल हील या फिर खुद का हीलिंग करते हुए आप मुझे बहुत दिख रही हो। आप एक चैनल हो डिवाइन हीलिंग पावर का, तो अगर आप ये कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप एक रेकी हीलर हो, रेकी मास्टर हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिना रेकी या फिर बिना टारो के भी आप हीलिंग कर सकते हो। कि कुछ कुछ लोग बात सुनते हैं, बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं और लोग उनसे हील होते हैं। तो यू आर वन ऑफ देम, आप उनमें से एक इंसान हो। लोग जिसकी बातें सुनना पसंद करते हैं, जिनकी एडवाइस लेना पसंद करते हैं, ठीक है। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सब चीज़ कोई यहाँ पे है जो लर्न कर रही है या फिर इन सब की पढ़ाई कर रही है, या फिर रूट्स, डिफरेंट रूट्स या फिर स्टेम्स जो होती है ना, कि उसको मतलब घरेलू घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय या फिर आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई मेडिसिन या तो आप खा रहे हो या तो आप उस चीज़ में रिसर्च करोगे। आप देखोगे कि ये मेडिसिन क्यों खाया जा रहा है, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हफ्ता आपका इंटरेस्ट रहेगा कुछ हीलिंग रिलेटेड चीज़ों में। नेक्स्ट जो आपके लिए है, अभी तक रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ 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 रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दो। नेक्स्ट है कि इनर गॉडेस, ठीक है। ये इनर गॉडेस, कभी कभी खुद की स्पिरिचुअल हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होती है। आप अगर खुद की स्पिरिचुअल हील नहीं कर पाओगे, आप दूसरों को हील नहीं कर पाओगे, तो आप पहले खुद तो हील हो जाओ। लेकिन एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप एक ऐसी एनर्जी में हो जो ट्विन फ्लेम एनर्जी है, या फिर आपके रिलेशनशिप में एक ट्विन फ्लेम एनर्जी है, ठीक है, जहाँ पे आप और आपके पार्टनर DMDF है, ठीक है, या फिर सोलमेट एनर्जी में है, तो रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि कितना मेल एनर्जी रहेगा, कितना फीमेल एनर्जी रहेगा, ठीक है। मेल डोमिनेट नहीं होना चाहिए, फीमेल डोमिनेट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस होने शुरू हो जाएगी सब से। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आपके अंदर, देखो आपको अगर सजना सबरना, सेल्फ केयर करना, ये 7 दिन के अंदर वो आपको बहुत पसंद होगी कि आप थोड़ा केयर करो, कुछ मॉइस्चराइजर लगाओ, बॉडी लोशन लगाओ, ठीक है, लाइक या फिर कुछ ऐसे ड्रेसेस बनवाओ जो आपको पसंद है। आप सैलून जाओगे हेयर केयर करने, कुछ अच्छे ड्रेसेस लाओगे, कुछ अच्छे ब्रेसलेट्स लाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है। या फिर अगर आप मेल हो तो सेम आपकी जो एसेसरीज होती है आप उनके ऊपर सजना सबना, एक फीमेलनेस या फिर एक होती है ना कि फेमिनाइननेस आपको बहुत जो है आपके अंदर वो देखी जाएगी सब दे। आप उस चीज़ को बहुत सजाओगे संवारोगे, आपका रहेगा उन चीज़ों के ऊपर बहुत इंटरेस्ट रहेगा। आप अपनी इनर गॉडेसेस को जगाते हुए मुझे दिख रहे हो।
सेल्फ केयर करते हुए मुझे दिख रहे हो। और एक चीज़ होती है ना कि आप कभी कभी खुद को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 भैया ठीक है, मैं इतनी तो सुंदर नहीं हूँ, या फिर ये तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, बट ज़रूरत है आपको अपनी होती है ना वो सुंदरता हो, या फिर आप अपना अंदर आपकी चीज़ें हो, आपको वो सब चीज़ों के अंदर अपने आप को केयर लेना अच्छा होता है। तो केयर लो, ये हफ्ता आपके लिए वही लेके आ रहा है, केयर लो। नेक्स्ट जो कार्ड आपके लिए आ रहा है, बोल्ड। ओ माय गॉड, ठीक है, कभी कभी बोल्ड होना जरूरी होता है। तो इस हफ्ते जैसे मैंने बोला ना कि कुछ बेबाक बातें आप बोलोगे, कुछ रिस्क लोगे, कुछ बेबाक बातें आप कहीं पे जाके बोलोगे। लोगों को तो हमेशा चीजें पसंद नहीं आती, लेकिन एक चीज होती है ना कि कभी कभी अगर आपको कुछ पानी है तो आपको एक स्टेप लेनी ही पड़ेगी। आप बस पीछे ऐसे बैठ नहीं सकते हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, नो, आप पीछे इस तरीके से बैठ नहीं सकते हो। तो व्हाट आई कैन सी कि आप कुछ चीज़ों में बोल्ड या तो आपको होना पड़ेगा, या तो आप ऑटोमेटिकली ही हो जाओगे, खुद डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे ये करना है और मैं ये करूँगी। ठीक है, तो आप मुझे डिसीजन मेकर बनते हुए दिख रहे हो, डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोलो जो चाहिए बोलो, बिना बोले लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपके लिए एक फाइनल कार्ड निकालते हैं। आपके लिए एक फाइनल कार्ड निकालते हैं कि क्या आपके लिए मैसेज है, फाइनल मैसेज फॉर नेक्स्ट 7 डेज। फॉर नेक्स्ट 7 डेज बी इंट्रोवर्ट, अपने आप में रहो, चुपचाप रहो। आपको सुनना पड़ेगा आपकी गट फीलिंग, आपको इनर वॉइस सुनने की बहुत ज़रूरत है। अगले 7 दिन में दिल की सुनोगे तो दिमाग का सुनोगे तो तभी अच्छा होगा। मिस्ट्री बना के रखो, अपने आप को हिडन रखो, दूसरों के सामने जितना आप ओपन नहीं होंगे आपके लिए उससे ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये आपके लिए अगले 7 दिन के लिए गाइडेंस है। ठीक है, सो लाइक द वीडियो अगर आपको पसंद आई तो, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।